नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी कवि के न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान आने से पहले ही घनघोर विवाद में फंस चुकी है। साधु संत से लेकर जो आम लोग हैं वो इस फिल्म को बहिष्कार करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो अयोध्या के संत हैं महंत राजू दास ने तो ये तक कह दिया था कि इस फिल्म का लोग पूरी तरीके से बहिष्कार करें और साथ ही साथ जहां भी जिस भी सिनेमाघर में जिस भी थिएटर में इस फिल्म को लगाया जाए उसको फूंक दें। ये बड़ी बात उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन अब सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी इस फिल्म को लेकर विरोध शुरू हो गया है और मुस्लिम संगठनों ने भी इस फिल्म पर विरोध दर्ज करवाया है, आपत्ति जताई है और साफ तौर पर इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ तक बता दिया है। ये बात मुस्लिम धर्म जो संगठन है उनकी तरफ से की गई है। अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शाहरुख खान के पोस्टर में आग लगाकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अब जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, तरह तरह के जो लोग हैं, उनके रिएक्शन भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। अब जो मुकेश खन्ना हैं, जाने माने अभिनेता हैं, उनका भी रिएक्शन सामने आ गया है। सुनवाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आपको मुकेश खन्ना के बारे में ज़रा कुछ जानकारी दे देते हैं। दरअसल मुकेश खन्ना ने कई फिल्मों में अभिनय किया है, उनको लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उनका जो महाभारत में भीष्म पितामह का रोल है वो बेहद चर्चा में रहा। लोग उन्हें भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं, उनके करेक्टर को याद करते हैं, किस तरीके से उन्हें एक अमर करेक्टर उन्होंने महाभारत में किया था और वो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बहुत ही जो शानदार अभिनय उन्होंने उस महाभारत में किया था भीष्म पितामह का। अब जो उन्होंने क्या कुछ इस पर रिएक्शन दिया है, क्या कुछ पूरे विवाद पर रिएक्शन दिया है, अब आपको वो बता देते हैं। दरअसल एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए मुकेश खन्ना ने पूरा रिएक्शन पठान पर और उसके फिल्म जो विवादित गाना है बेशरम रंग, जिसको लेकर पूरा विवाद जारी है, जिसमें ये कहा गया है कि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के कपड़े यानी कि भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है, जिसको लेकर हिंदू संगठन और साथ साथ मुस्लिम संगठन भी अब विरोध में उतर आए हैं। अब मुकेश खन्ना ने क्या कहा है वो सुनिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि आजकल के बच्चे टीवी और फिल्म देखकर बड़े हो रहे हैं, इसलिए सेंसर बोर्ड को ऐसे गानों को पास नहीं करना चाहिए। मुकेश खन्ना ने कहा कि सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। हमारा देश कोई स्पेन नहीं बन गया जो इस तरह गाने लाए जाएं। अभी आधे कपड़ों में गाने बन रहे हैं, कुछ समय बाद बिना कपड़ों के गाने बनने लगेंगे। मुकेश खन्ना आगे कहते हैं कि समझ नहीं आता कि सेंसर बोर्ड इस तरह के गाने को पास क्यों ही करता है। एक्टर कहते हैं कि क्या बनाने वाले को पता नहीं कि भगवा रंग एक धर्म और संप्रदाय के साथ बहुत मायने रखता है, बहुत संवेदनशील है, जिसे हम भगवा कहते हैं, जो शिवसेना के झंडे में भी है, हमारे RSS में भी है। अगर उनको ये पता है तो बनाने वाला क्या सोचकर बनाता है। मुकेश खन्ना कहते हैं कि अमेरिका में आप उनके झंडे की बिकनी भी पहन सकते हैं, पर हिंदुस्तान में ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। अब इंटरव्यू में जब मुकेश खन्ना से ये पूछा गया कि इससे पहले भी तो फिल्मों में भगवा रंग के कपड़े पहनकर फिल्म शूट की गई है, तब आपत्ति क्यों नहीं जताई गई, अब इस पर मुकेश खन्ना ने क्या कहा ये सुनिए। उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा कि पहले इस तरह से बिकनी बनाकर नहीं पहना गया है, अब सोशल मीडिया है, लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि भगवा रंग RSS शिवसेना का भी है और भगवा रंग से जुड़ी अपनी मान्यताएं भी हैं, और ऐसे में जानबूझकर इस रंग के कपड़े में गाना रखा गया है जो किसी गुस्ताखी से कम नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से मुकेश खन्ना भी अब इस फिल्म को लेकर और साथ ही साथ इस फिल्म के गाने बेशरम रंग, जिसमें दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी पहने हुए दिखाई दे रही हैं, उस पर पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। पहले हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, तरह तरह के जो लोग हैं सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, और अब अभिनेता मुकेश खन्ना, जिन्हें आप भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं, भीष्म पितामह का उन्होंने महाभारत में रोल किया था, वो भी अब इस फिल्म को लेकर, इस गाने को लेकर भड़क गए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। अब आप क्या मुकेश खन्ना की इस बात से सहमत हैं और क्या जो बहिष्कार की मांग इस फिल्म को लेकर उठ रही है और जो आपत्ति जताई जा रही है वो क्या सही है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए वीके न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।